Assalamualaikum, hello, hi everyone, welcome back to my channel, welcome back to another vlog. Hope you all are doing great. उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से होंगे. आला पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये 6 डे ऑफ इफ्तार प्रिपरेशन है और आज हम बना रहे हैं पंजाबी समोसा और साथ में उसके साथ वर्मिसली की सेवियाँ बनाएंगे. तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट. और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो ये ऑनियन मसाला जो था ना वो हमारे पास ऑलरेडी रेडी था और थोड़ा सा जो बचा हुआ ये मटन खुरमा था जो हमने रात में बनाया था तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं. और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और नेक्स्ट हम यहाँ पर वर्मिसली सेवियाँ भी जो है उस वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे. तो जैसे कि मैं आज आपको दिखा रही हूँ 6 डे ऑफ इफ्तार प्रिपरेशंस. वैसे तो आज हज का दिन है और सुबह से जो है ना आज इतनी बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम है आज और ईद है कल. तो जैसे कि मेरे व्लॉग्स तो बहुत ही स्लो जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वर्मिसली सेवियाँ जो है वो रेडी हो चुकी है और समोसा का जो टो था ना हमने ऑलरेडी बनाकर साइड में रख दिया था. तो कल अल्हम्दुलिल्लाह से ईद होगी और बहुत ही एक्साइटमेंट भी हो रहा है और बहुत जो है ना बोर भी हो रहा है बिकॉज़ जैसे कि हस्बैंड नहीं है और हस्बैंड के बिना ईद ईद नहीं लगती. तो ऐसा है और आई जस्ट होप कि मेरे व्लॉग्स जो होते हैं ना वो टाइम पर अपलोड हो जाए. लास्ट टाइम की जो छोटी वाली ईद थी मैंने बहुत ही टाइम से अपलोड कर रही थी और मैं बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड थी आप लोगों के साथ. बट इस बार जो है मैं थोड़ा सा स्लो हो चुकी हूँ. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आज मैं अपलोड कर रही हूँ 6 डे और 7 डे का इफ्तार प्रिपरेशंस. नेक्स्ट 8 डे का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था और आज हज का दिन है. आज हज के दिन का नेक्स्ट मैं व्लॉग अपलोड करूँगी कि क्या हमने प्रिपेयर किया था. कुछ ख़ास नहीं है बट आई जस्ट होप कि ऑन टाइम मेरे व्लॉग जो है ना वो अपलोड हो जाए. ईद के लिए एक्साइटमेंट भी है और आज हमें बाज़ार भी जाना था. आज हमें बाज़ार इसीलिए जाना था क्योंकि मैंने बहुत सारी शॉपिंग नहीं की हुई है बिकॉज़ अभी जब हस्बैंड होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अब नहीं होते हैं तो बहुत ही बोर होता है. अभी देखते हैं कि कल हमारी ईद किस तरह से जाएगी और कैसे जाएगी. तो यहाँ पर जो हमारा समोसा जो है वो रेडी हो चुका है. लास्ट ईयर जो थे ना वो मेरे हस्बैंड मेरे साथ में थे और इस बार भी प्लान था बट वो प्लान अभी हुआ नहीं. कुछ ना कुछ जो है ना काम आ जाता है तो उसी की वजह से जो है प्लान कैंसिल हो गया था इस टाइम. इंशाल्लाह से कल मैं जाऊँगी मेरे इन लॉज के घर और इन लॉज के घर पर भी ना कोई नहीं रहता सिवाय मेरी मदर इन लॉ और मैं ही होती हूँ बिकॉज मेरे 3 सिस्टर इन लॉज हैं और मुझे ब्रदर इन लॉ नहीं है. तो सिस्टर इन लॉज जो होते हैं ना वो अपने अपने घर में होते हैं तो उनका जो है ना अलग से ईद हो जाता है अपने अपने घरों में. तो मेरी एक सिस्टर इन लॉ जो होती है ना वो सबसे बड़ी वो कुर्ग में ही होती है जैसे कि आप जानती हैं. और तो ये रहा दूसरा दिन. जैसे कि आज है 7 डे ऑफ इफ्तार प्रिपरेशन तो यहाँ पर जो है ना मेरी आंटी के घर से ये आया हुआ है और इस डिश का नाम जो होता है ना मुड़कले. तो हमारी लैंग्वेज में उसको कहते हैं मुड़कले. जैसे कि एक राइस बॉल ही कह लें तो उसकी रेसिपी मैंने अभी तक अपलोड नहीं की हुई है बिकॉज वो इतने घर में हमारे पसंद नहीं किया जाता. खैर अभी जो है हम यहाँ पर इंस्टेंट इडली बना रहे हैं तो बस वही प्रिपरेशन चल रही है. आजकल रोज़े इतने आसान हो चुके हैं बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हम रोज़े पर हैं तो थकते बिल्कुल भी नहीं हैं. बट काम होता है, काम होते ही रहता है, बहुत सारी प्रिपरेशंस हम करते ही रहते हैं बट थकते बिल्कुल भी नहीं है. और इसके साथ साथ जो है ना मैंने डेली के जितने भी एक्टिविटीज़ थे मैंने पूरे रिकॉर्ड किए हुए थे जैसे कि मैंने आपसे कल भी कहा था बट पॉसिबल हो ही नहीं रहा है जस्ट अपलोड करने में. आज मॉर्निंग से बस हम सोच ही रहे थे कि आज हम क्या बनाएंगे इफ्तार पर. फिर मम्मा ने सडनली अभी लाइक हाफ एन आवर पहले सोचा कि आज हम इंस्टेंट इडली बनाते हैं बिकॉज इंस्टेंट इडली इतना आसान रेसिपी है और झटपट से बन जाती है. आपके घर पर सूजी और दही अवेलेबल है तो कुछ और मत सोचना, बस इंस्टेंट इडली बनाओ. बहुत ही आसान भी है और बहुत ही फटाफट से बन भी जाती है. खैर अभी जो है हम इसको तड़का देने के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे थे और यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऑयल में यहाँ पर ग्रीस कर रही हूँ, लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ इडली के लिए. और फिर यहाँ पर जो है हमारा तड़का जो है वो प्रिपेयर हो चुका है. इसको जो है इस तरह से डाल देंगे और जब ये इस तरह से हम किसी भी चीज़ को तड़का देते हैं ना तो अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन होता है, अच्छा लगता है. और अभी लगता है कि ये सब कुछ जो है ना टेस्टी बनेगा. जब भी हम तड़का देते हैं हर एक चीज़ को तो ऐसा लगता है अभी इट विल बी गुड, अभी ये बहुत ही बढ़िया बनेगा. तो खैर यहाँ पर जो है ना हम अभी सैंडविच भी बनाने का हमने सोचा है तो यहाँ पर जो है इसीलिए हमने थोड़ा सा ऑमलेट बनाया. फिर
फिर यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये बैटर को जो है ना थोड़ा सा हम इनो ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको जो है मिक्स करेंगे, थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम दे देंगे, ठीक है, हाफ एन आवर के लिए थोड़ा रेस्ट टाइम दे देंगे। स्टीमर को जो है ना हम इस तरह से हाई फ्लेम पर जो है रख देंगे और नेक्स्ट बैटर जो है ना वो अभी रेडी हो चुका है, हाफ एन आवर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा करके ना इस तरह से पोर कर देंगे। और अभी तक जिन्होंने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर ही करें और अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ही शेयर करें। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज हज का दिन है और इसी दिन जो है ना 9 साल पहले मेरे नानी का इंतकाल हुआ था और मैं नानी से बहुत ही ज़्यादा अटैच थी, बहुत ज़्यादा अटैच थी। उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार किया था, इतने सारे बच्चे थे बट सबसे ज़्यादा जो है मैं उनकी बहुत ही लाडली थी। तो बस हम यही बातें कर रहे थे मैं और मम्मी मिलकर आज, बस हम वही याद कर रहे थे कि बहुत ही अच्छा दिन उनको नसीब हुआ था, हज के दिन पर उनका इंतकाल हुआ था माशाल्लाह से, और माशाल्लाह से बहुत ही सेहतमंद थे, ऐसा नहीं था कि कुछ बीमार थे, बहुत ही सेहतमंद थे। और अचानक से उनका थोड़ा सा जो है अस्थमा प्रॉब्लम हुआ था और बस वही था और सडनली उनका इंतकाल हुआ था इसी दिन। खैर अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत करे और उनकी दर्जात को जो है बुलंद करें, आमीन। और यहाँ पर जब हम मैं और मम्मा मिलकर प्रिपेयर कर रहे हैं तो सडनली जो है ना अभी कॉल आ गया है, मेरी आंटी ने जो है ना अभी कॉल किया हुआ है कि अबरार और अब्दुल्ला जो है ना अभी इफ्तार पर आने वाले हैं। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं प्रिपेयर किया था आज, बस सैंडविच था और हमने सोचा कि थोड़ा सा इडली, हमने इंस्टेंट इडली बनाया था, बस वही था। इफ़ हमें पहले से पता होता कि अबरार और अब्दुल्ला आने वाले थे, हम कुछ तो कुछ स्पेशल बना लेते उन बच्चों के लिए, उनको भी रोज़ा होता है। जो है ना मेरी आंटी थोड़ी देर के लिए बाहर गई हुई थी और ऑन टाइम वो आकर पहुंचने नहीं वाली थी, तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि अब्दुल्ला और अबरार हमारे घर पर आएंगे। तो बस यही था, अब हम सोच रहे हैं कि एक्स्ट्रा हम क्या बनाएं बिकॉज़ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे हैं और वो भी इफ्तारी पर आ रहे हैं तो उनको भी रोज़ा होता है, तो इसीलिए हम बस सोच रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा क्या बनाएं। फिर फटाफट से जो है ना मम्मा ने सोचा कि जो है पोटैटो, इसको जो है हम डीप फ्राई करेंगे इस तरह से फिर हमने जो है मोहम्मद से कहा है कि बाहर कुछ पकोड़े वकोड़े मिले तो लेकर आना। अभी मोहम्मद बाहर गया हुआ है देखने के लिए, अब देखते हैं कि मोहम्मद क्या लेकर आता है। अब बस हम यही बनाएंगे बिकॉज़ अभी कुछ एक्स्ट्रा दिमाग में भी नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हमने मोहम्मद को बाहर भेजा देखने के लिए कि कुछ एक्स्ट्रा मोहम्मद लाए तो फिर अच्छा होगा। और यहाँ पर जो है ना आज की इफ्तारी पर जो है हमारे घर पर मेहमान आने वाले थे तो ये लोग थे, वो आ भी गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अब्दुल्ला और अबरार जो है जैन के साथ खेल रहे हैं और जैन जो था। तो यहाँ पर जो है पूरा टेबल पर हमने सेट कर दिया है, सैंडविचेस हमने रख दिया है और इंस्टेंट इडली जो है हमने टेबल पर सेट कर दिया है। तो बस यही था और मम्मा जो है पोटैटोज़ को जो है वो फ्राई कर रही है डीप में और ये भी जो है रेडी हो चुके हैं, इसको भी हम टेबल पर सेट कर देंगे फटाफट से। अब देखते हैं कि मोहम्मद क्या लेकर आता है। और मोहम्मद ने सिर्फ लेकर आया सिर्फ 6 समोसा। मोहम्मद ने कहा कि सब कुछ जो है एम्प्टी हो चुका था, जो है ना बहुत ही टाइम हो चुका था तो इसीलिए बाज़ार में जो होता है ना सब कुछ जल्दी एम्प्टी हो जाता है, तो इसीलिए हमें सिर्फ 6 समोसा जो है हमें यहाँ पर मिल गए हैं। और फटाफट से जो है अभी हम इसको सर्व करते हैं, सबकी प्लेट्स में डालते हैं। और देनी गई
जैन की मस्ती जो होती है ना बिल्कुल भी नहीं रुकती, और सुकून से हम इफ्तार भी नहीं कर सकते अभी बैठकर। तो इस तरह से वो हमें सताता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और हर जगह जो है ना पोछते ही रहता है, पूरी नानी की कॉपी करता है। मेरी मम्मी जो है ना बहुत ही साफ़ सफाई करते रहती है, हर जगह जो है ना मम्मी पोछते ही रहती है, तो इसीलिए जो है ना जैन उनका कॉपी करता है, और हमेशा जो है ना हर जगह जैन भी पोछते ही रहता है। खैर यही आज का व्लॉग, आई होप आपको आज की वीडियो जो है बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय अल्लाह हाफिज़, और अपनी दुआओं मुझे ज़रूर याद रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।